एवरीवन, माय नेम इज अक्षदा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, नायका से मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं। ह्यूज हॉल नहीं बोल सकते, लेकिन नायका का हॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने नायका से परचेस किए हुए हैं वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक छोटी सी बिगिनर्स मेकअप किट इस प्रोडक्ट से बन सकती है। मैंने 2200 के प्रोडक्ट खरीदे थे और उस पर मुझे 600 डिस्काउंट मिला है, मतलब अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिला है। तो ये डिस्काउंट मुझे कैसे मिला, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नायका से मैंने सब कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुझे स्पेशली एक मेकअप किट चाहिए था और जो कि बिगिनर्स हो सब यूज कर सकते हो, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी अंडर 18 होंगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छे प्रोडक्ट मैंने लिए, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ही आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप 18 एज के अंदर होते हो तो आपकी स्किन एक्ने प्रोन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है। लेकिन आप अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, क्लियर रहेगी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट। सबसे पहले मेकअप करते हुए हमारी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं होगी तो हमारे चेहरे पर अच्छी तरह से मेकअप स्टे नहीं करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइजर लिया है, जो कि सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जो कि मेरी भी सेंसिटिव स्किन है, इसलिए मैंने जेल का मॉइस्चराइजर लिया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो पॉन्ड्स का दूसरा भी मॉइस्चराइजर आता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी MRP है 299 रुपीज, लेकिन मुझे सेल प्राइस में 209 रुपीज को मिला है। लगभग मुझे 100 रुपीज तक इस पर डिस्काउंट मिला है। और इसकी नेट क्वांटिटी 147 ग्राम होती है, तो 2-3 महीने तक तो इजिली आपको ये जाएगा। अगर आप मेरी तरह डेली मेकअप करते हो तो यह आपके लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है और इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल है। सेकंड प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, मेकअप करते समय हमारी स्किन जब मॉइस्चराइज हो जाती है तब हमें प्राइमर लगाने की जरूरत होती है। जब भी हम फाउंडेशन अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तब वो फाउंडेशन हमारे पोर्स में ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है नायका का प्राइमर। एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सबसे ज्यादा इसकी बात मुझे ये पसंद आई कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। जब भी आप मेकअप करेंगे तो प्राइमर सबसे पहले अप्लाई करेंगे, प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंटली दिखाई देगा कि आपके पोर्स मिनिमाइज हुए हैं। और अगर इसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी नेचुरल दिखाई देगी, इसलिए मुझे ये प्राइमर बहुत ही पसंद आया। टीनेजर के लिए ये बेस्ट प्राइमर है। इसकी MRP है 549 रुपीज, लेकिन मुझे ये मिला है 494 रुपीज में। सेकेंड स्टेप की ओर हम चलते हैं। हमारे सेकेंड स्टेप है फाउंडेशन। यहाँ पर ये नायका का फाउंडेशन लिया है और मेरा शेड है 03 वार्म सैंड। बहुत सारी कंपनीज के मैंने फाउंडेशन ट्राई किए, लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है इसलिए मुझे कोई भी कंपनी का फाउंडेशन सूट नहीं हुआ, लेकिन नायका का फाउंडेशन मुझे बहुत ज्यादा सूट हुआ है। नायका के सभी प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए, एक हफ्ता हुआ था, उसके बाद मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले अपने ऊपर प्रोडक्ट सारे ट्राई किए हैं, इससे कोई भी हमारी स्किन को नुकसान होता है या नहीं ये देखने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। स्पेशली ये जो फाउंडेशन है ये हमें नेचुरल लुक देता है। कई फाउंडेशन ऐसे होते हैं कि जब भी कोई सामने वाला हमें देखता है तब ऐसे लगता है कि हमने बहुत सारा मेकअप किया है और वो क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन मुझे इस फाउंडेशन की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हो हमें एकदम नेचुरल लुक मिलता है। आप देख सकते हैं मैंने यही फाउंडेशन अपने स्किन पर अप्लाई किया है, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा मेकअप किया है, नेचुरल लुक मेकअप का मिलता है। क्योंकि जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या फिर कोई ऑफिस को डेली मेकअप करके जाते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है फाउंडेशन, क्योंकि हमें नेचुरल लुक मिलता है, बहुत ज्यादा पैची नहीं है, केकी नहीं है, अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। और फाउंडेशन इतना सा अगर हम लेते हैं ना तो हमारी स्किन के लिए वो इनफ होता है, बहुत ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैंने फाउंडेशन सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर ली है या लूज पाउडर ली है, तो मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर ली है मेबलिन फिटमेंट की और मेरा शेड है 128 वार्म नूड, तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ही क्यों ली। ये कॉम्पैक्ट पाउडर अफोर्डेबल भी होती है और लूज पाउडर जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज होता है, बस आपको ड्राई स्पंज पर ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर लेनी है और अपने अंडर आईज पर सेट करनी है, जहाँ पर हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं वहाँ पर ही हमें ज्यादातर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज करना होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लूज पाउडर ना लें, बहुत ही कॉस्टली होती है और इस कॉम्पैक्ट पाउडर में हमारे इजीली काम चल जाता है। कॉम्पैक्ट की प्राइस है 199 रुपीज, लेकिन मुझे सिर्फ मिला है 159 रुपीज में।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुझे डिस्काउंट मिला है। और मैं आगे आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मुझे 600 रुपए कैसे ऑफ मिले, इस रिव्यू के साथ जरूर बने रहिए। कॉम्बैक पाउडर के हो जाने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आईब्रो सेट करने के लिए ये आईब्रो पेंसिल ली है जो कि नायका की। अगर आपको बेस्ट आईब्रो पेंसिल चाहिए तो मैं आपको कहूंगी थोड़ा वेट कीजिए, आप पैसे अपने जमा कीजिए पॉकेट मनी से वगैरह, उसके बाद ही आप आईब्रो पेंसिल अच्छी वाली खरीदना। आप देख सकते हैं मैंने अभी अपने आईब्रो सेट किए हैं। इस आईब्रो पेंसिल का यही कमाल है कि आपको आपके आईब्रो बहुत ही नेचुरल दिखाई देगी। आईब्रो पेंसिल का मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है। आप देख सकते हैं नायका की जो आईब्रो पेंसिल है इसमें एक साइड पे एक ब्रश होता है जो कि हम आईब्रो हमारी कॉम कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे ये पेंसिल रहती है। इस आईब्रो पेंसिल की एमआरपी है 475 रुपीज, लेकिन मुझे इस सेल प्राइस में मिली है 404 रुपीज को। और इसमें एक और बात है कि मैंने आईब्रो पेंसिल ली और इसके साथ मुझे नायका की काजल पेंसिल फ्री में मिली है, ब्लैक काजल पेंसिल। तो आप देख सकते हैं कि 170 रुपीज की पेंसिल मुझे इस आईब्रो पेंसिल पर फ्री मिली है। 404 रुपीज में एक अच्छी आईब्रो पेंसिल भी मिल जाएगी, उसके साथ एक अच्छा खासा काजल भी मिल जाएगा। इस काजल पेंसिल से आप काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्मोकी आई मेकअप करना होगा तो भी ये काजल पेंसिल बहुत अच्छी है। मैंने काजल पेंसिल की हेल्प से स्मोकी आई मेकअप भी किया था, बहुत अच्छा लगा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सर लास्ट हमारा प्रोडक्ट जो मैंने लिया है कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपका फेस भी मेरे जैसे चबी होगा तो आपके लिए भी कॉन्टोरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका फेस स्लिम होगा तभी भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो चीक बोन से अच्छी तरह से ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, अगर आप कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही खाली खाली दिखाई देगा। मैंने नायका से शुगर कंपनी का कॉन्टोर लिया है और मेरा शेड है 01 टॉपर। स्पेशली ये कॉन्टोर जिनकी भी मीडियम स्किन टाइप है उनके लिए सूटेबल है। इस कॉन्टोर की प्राइस है 399 रुपीज और मुझे ये 399 रुपीज में मिला है, मुझे इस पर कोई भी सेलिंग प्राइस नहीं मिली है। मुझे सिर्फ इस कॉन्टोर की एक ही बात अच्छी नहीं लगी कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम आती है, प्राइस के हिसाब से 399 रुपीज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये अच्छा भी है, अच्छी तरह से वर्क करता है। मैंने भी कॉन्टोरिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से वर्क करता है, इसलिए मुझे पसंद आया। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पाउडर कॉन्टोर लेना है या स्टिक कॉन्टोर लेना है, दोनों भी अच्छा है, लेकिन स्लिप लगाने में पाउडर कॉन्टोर इजी जाता है क्योंकि स्टिक कॉन्टोर को ब्लेंड करना उतना आसान नहीं है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पाउडर कॉन्टोर ही लेना। अगर आप एडवांस स्टेप पर है, आपको अच्छा खासा मेकअप आता है, तो आप स्टिक कॉन्टोर ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मुझे 600 डिस्काउंट कैसे मिला। नायका पर अभी ऑफर चल रही थी कि अगर आपने 1000 के प्रोडक्ट परचेस किया तो आपको उस पर 300 रुपीज ऑफ मिलेगा। मैंने क्या किया, जो भी 1000 के प्रोडक्ट है वो अपनी सिस्टर के मोबाइल से ऑर्डर किए, और जो बाकी रहते 1200 रुपए के प्रोडक्ट वो मैंने अपने मोबाइल से ऑर्डर किए, तो मुझे इस तरह से मिला 600 रुपए डिस्काउंट। मैंने पूरा मेकअप का सामान लिया सिर्फ और सिर्फ 1600 में। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि आप जब भी नायका से कुछ भी खरीदते हो तो प्लीज सेल का वेट कीजिए, विदाउट सेल आप कोई भी प्रोडक्ट ना ले, क्योंकि नायका के ऊपर बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट रहते हैं, सभी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ही प्राइस रहता है, इसलिए सेल का वेट कीजिए। जो भी मैंने अभी प्रोडक्ट लिए उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी हॉल के रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी टॉपिक मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।